जय माँ पुस्तक के परिचय के पहले थोड़ा सा एक और पूर्व परिचय किन्होंने ये पुस्तक लिखी है या किन किसकी डायरी है हम सब कोर्स कहते हैं माँ माँ की डायरी है कौन है माँ थोड़ा सा ये परिचय आवश्यक है एक सेंस में तो सच ये है कि माँ के विषय में हम इतना कह सकते हैं जैसे जैसे किसी ने एक बार एक छोटी मछली बड़े तालाब बड़े समुद्र में गिर पड़ी बहती बहती तो समुद्र में उसने एक बड़ी मछली से पूछा जो वहां बहुत पहले से रह रही थी कि समुद्र के बारे में कुछ बताओ तो बड़ी मछली तो बहुत समय से रह रही थी उसने कहा देखो मैं तुम्हें तो बस इतना बता सकती हूँ कि सामने भी समुद्र है पीछे भी समुद्र है ऊपर भी समुद्र है नीचे भी समुद्र है बाहर भी समुद्र है अंदर भी समुद्र है समुद्र के बिना मेरा अस्तित्व तो मेरा जीवन नहीं है बस इतना बता सकती हूँ मैं इसके आगे समुद्र की था मैं नहीं पा सकती ऐसा ही श्री माँ के बारे में है जैसे हम एक व्यक्ति को उसके वस्त्र से थोड़ी बहुत हर किसी का एक तरीका होता है कपड़े पहनने का एक हाव भाव चाल जिससे हम लोग उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो व्यक्ति है फिर और करीब आते हैं तो उसकी बोल चाल उसके गुण इससे आइडेंटिफाई करते हैं और अगर बहुत करीब आ जाएं तो उसकी आत्मा में जो अग्निकुंड जल रहा है जो रियल आइडेंटिफिकेशन है मैन का जो रियल चीज़ है मनुष्य के अंदर वो है उसकी श्रद्धा और संकल्प और अगर इन दोनों में से एक को चुनना है तो श्रद्धा गीता श्रीमद भगवत गीता कहती है कितने सुंदर ढंग से मनुष्य की पहचान उसकी श्रद्धा से है उसने क्या कपड़े पहने बाहर से उसकी क्या सक्सेस है कब जन्मा कब नहीं श्रद्धा और संकल्प अभिपसाई ये कैसी चीज़ है जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाती हैं वैसे ही हम सीमा का एक बाहरी परिचय जिसमें लोग अक्सर की बॉर्न ऑन 21 फरवरी 1878 अजीब लगता है वह अजन्मा अनादि अनंत अगोचर उसकी जन्म की तारीख पर ठीक है वो ये परिधान उन्होंने पहना एक विशेष प्रयोजन से वो आई तो ये हम कह सकते हैं लेकिन माँ की ये या यात्रा पहली नहीं है ये अनंत की यात्रा है एक जगह माँ कहती हैं कि जब भी इस संसार जब से ये पृथ्वी बनी है तब से मैं पृथ्वी से कहीं गई नहीं हूँ और जब भी कहीं पर प्रकाश की एक किरण अभिव्यक्त होने की संभावना थी मैं वहाँ पर थी और यदि हम उनके जीवन को पढ़ें जीवन वृत्तांत को तो अनेकों अनेकों उनके पहले बर्थ्स में वो क्या कर रही थी क्या कर रही थी उसको अगर एक शब्द में कहें तो कैरिंग ऑन द इवोल्यूशन वो ना केवल पृथ्वी का भार हरण करना किंतु तो इस संसार को एक परम एक चरम गति की ओर ले जाना और वो परम गति एक व्यक्ति का मोक्ष नहीं है वो परम गति या चरम गति वो इस सृष्टि के अंदर दिव्य की अभिव्यक्ति है और हम सब उसी के लिए हैं और उस पथ पे कैसे हम चलें क्या करें किस तरह से हमारा जीवन हो वो सब हम इस पुस्तक प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस में पाते हैं ये पुस्तक बहुत 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 विशेष है और उसका कारण ये है कि बहुत सारी पुस्तकें जिनको हम स्क्रिप्चर्स कह सकते हैं माता जी की अपनी वॉल्यूम्स हैं पर ये जो सारे वॉल्यूम्स हैं वहाँ माँ मनुष्यों को संबोधित कर रही हैं ये एक ऐसी अनूठी पुस्तक है जो शायद विश्व के इतिहास में है पहली और आखिरी पुस्तक जहां माँ भगवान को संबोधित कर रही है ये डायरी उन्होंने हम मनुष्य के लिए नहीं लिखी थी ये डायरी उनके अपने कन्वर्सेशन से कन्वर्सेशन इज रॉन्ग वर्ड क्योंकि कन्वर्सेशन से हमको लगता है हम भगवान के साथ जो वार्तालाप ये उस तरह का वार्तालाप नहीं है वो भगवान को ईश्वर को परम सत्ता को ईश्वर और भगवान से बहुत सारे शब्द आते हैं पर उस परम सत्ता को जहाँ से वो स्वयं आई हैं वो संबोधित करती हैं जगह जगह और अगर इसमें हम देखें कितने तरह से माने ने संबोधित किया है अमेजिंग हजारों तरीके से उन्होंने उनको संबोधित किया है और अपनी अभिपसा को उनके साथ जोड़ा है तो ये एक अद्भुत पुस्तक है वास्तव में ये छपने के लिए नहीं थी माँ की तो माँ ने ये डायरी लिखी थी और यहाँ लाई थी और श्री अरविंद को उन्होंने दिखाई थी ये डायरी तो श्री अरविंद ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो सबको इससे लाभ होगा और ये आपको आनी चाहिए प्रिंट में तो फिर माँ ने जो उनकी डायरी थी उसमें से फोर फिफ्थ पन्ने फाड़ दिए और उनको जला दिया एक तो बहुत ही व्यक्तिगत थे जैसा मैंने बताया ये व्यक्तिगत डायरी है और कई कारणों से भगवान की लीला है वो नहीं चाहती थी कि ये बाकी लोग को पता चले ये कोई बड़ी इंटीमेट क्या क्या अनुभव होंगे उनके हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं फिर वो जो वन फिफ्थ थी वो प्रस्तुत हुई उसमें से शेयर ने कई प्रेयर्स को ट्रांसलेट किया और फिर 1941 में माँ के सिग्नेचर के साथ वो दी गई कई साधकों को दी गई तो फिलहाल के लिए तो मैं वही 1941 वाली ये पढ़ रहा हूँ इसके बाद कुछ संशोधनों के साथ कलेक्टेड वर्क्स में आई है थोड़ा डिफरेंस है मेरा कारण ये है क्योंकि ये माँ के सिग्नेचर के साथ ये सबको मिली थी लेकिन ये पुस्तक अगर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक आध कहीं पर आपको शब्द या कोई पंक्ति में थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा और वो डिफरेंस क्यों है ट्रांसलेशंस ओरिजिनल उनकी फ्रेंच में है लेकिन साथ ही क्या है कि आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ ही साथ ये उस समय जो दी गई माँ के हाथों से तो उसका एक विशेष महत्व है और माँ पे ये 1941 फोर्टी वन प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस उपलब्ध हैं जो वहाँ से फ्री डाउनलोड है सारी चीजें और मां पे जो चाहे वरना कोई समस्या नहीं है अब एक प्रश्न उठता है कि माँ किससे प्रार्थना कर रही थी हम लोग तो माँ से प्रार्थना करते हैं माँ किससे प्रार्थना कर रही हैं परम सत्ता से तो वो स्वयं आई हैं और क्यों प्रार्थना कर रही हैं तो इसको हम ऐसे देखें कि हम सबकी जो अभिप्सा है प्रार्थना है छोटी 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 मोमबत्ती है किसी किसी की तो दिया सलाई है जल बुझ गई और हम सब की ये तो मोमबत्ती है थोड़ी देर जलती है फिर बुझ जाती है तो माँ ने क्या किया अपने ही अंदर उस हवन कुंड यज्ञ वेदी को जागृत कर लिया और धरती की सारी अभीपसा उन्होंने अपने अंदर आत्मसात किया धरती की सारी कठिनाइयाँ अपने अंदर आत्मसात की और उन सबको भगवान से जोड़ दिया तो कहने का अर्थ ये कि ये जो प्रेयर्स हैं वो कोई उनको कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हम देखेंगे शुरू में ही तीसरी प्रेयर में माँ कह रही हैं कि उस इंग्लिश मैन ने जब मुझसे पूछा उन्नीस में कि क्या तुमने भगवान को पा लिया है और मैंने कहा निश्चित रूप से पा लिया तो ये देखिए ये प्रेयर ये एक इनका प्रयोजन अलग है लेकिन पृथ्वी पे हम सब की अभिपसा बड़ी छोटी छोटी है जब ये माँ की एक जगह वो लिखती हैं वेन एस्पिरेशन ऑफ पीपल इज ज्वाइंट विद माई ओन फॉर्मिडेबल एस्पिरेशन तो क्या होता है फिर वो जो हमारी छोटी सी मोमबत्ती है वो एक महाज्वाल का रूप ले लेती है इसलिए ये पुस्तक का विशेष महत्व है माँ क्यों प्रे कर रही है धरती के साथ पार्थिव प्रकृति के साथ हम सबके साथ आइडेंटिफाई करके वो हम सब के लिए हम सबकी ओर से प्रार्थना कर रही हैं शेरविन से किसी ने ये पूछा था तो शेरविन कहते हैं कि इस तरह की प्रार्थना जहाँ अवतार रूप में भगवान अपने ही क्योंकि भग अवतार तो स्वयं भगवान ही है जिन्होंने मानव रूप धरा है तो ये हम देखते हैं महाभारत में भी रामायण में हम देखते हैं कि एक और श्री राम अवतार हैं उनको शिव जी बार बार प्रणाम करते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं आदित्य की प्रार्थना कर रहे हैं आदित्य हृदयम और वो सन गॉड द क्रिएटर वो दुर्गा जी की प्रार्थना कर रहे हैं शिव की प्रार्थना जब वो आता है रावण तो वो क्योंकि उन्होंने मानव रूप धरा है तो मानव चेतना के हिसाब से वो चलते हैं क्योंकि नहीं तो वो आर्बिट्ररी मेरेकिल करके चले जाएंगे तो उनको मानव चेतना को कैसे उसकी सभी गांठों को खोलना है तो पहले वो गांठों को अपने ऊपर लेते हैं फिर उसको खोल के मार्ग दिखलाते हैं तो ये पुस्तक पुस्तक शब्द है वास्तव में ये, <laughs> ये मेरे पास शब्द नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए तो ये माँ की चेतना है और ये तीन प्रकार के लोगों के लिए माँ ने कहा है जो मुख्यतः उनके लिए हैं कौन एक जो अपने ऊपर आत्म विजय आत्म नियंत्रण सेल्फ मास्टरी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे नुस्खे दिए हुए हैं हम जीवन कैसे जिए बीमारी हो तो क्या करें जब पीड़ा हो तो कैसे करें जब लोग अलग होते हैं तो उनको जो पीड़ा होती है उस समय क्या करना चाहिए जब कोई कष्ट आता है तो हमें कैसे डील करें सब कुछ है तो आत्मनियंत्रण नहीं नि, तो हम लोग क्या होता है हम बह जाते हैं और अपना एक बड़ा सुंदर शब्द है हिंदी में अपना आपा खो देते हैं सुना कभी अपना आपा द सेल्फ क्रोधात भवती सम्मोहा हम खो देते हैं अपने आप को कुछ क्षणों के लिए फिर वापस आते हैं तो हम किस तरह से जीवन को जिए जिससे कि हम विचलित ना हों और पथ पे चलते रहें दूसरे कैटेगरी के लोग जो उस पथ की खोज में हैं या उस पथ पे चलना चाहते हैं जो उनको भगवान से मिला देगा अब देखिए कितनी अद्भुत बात है माँ स्वयं लिख रही हैं ये कि ये उनके लिए है एक तो उन्होंने कहा सेल्फ मास्टरी दूसरा दोज हुन टू नो दोड विलीड टू दिवाइन इसमें सारा पथ दिया हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग पथ ऐसे नहीं दिया है कि बैठो इस तरह सेल टेक्निकल इसमें पथ कैसे थ्रू ए सेट ऑफ एटीट्यूड एंड वे ऑफ लाइफ पथ जीवन से गुजरता है इसका पथ ऑल लाइफ इज योगा वो कट के नहीं गुजर रहा है आपके जीवन में आपने किस तरह से अपने जीवन में एटीट्यूड्स लिए हैं किस तरह से आप भगवान को कंटेम्पलेट करते हो कहीं पर यह नहीं है कि रोज़ इस तरह से बैठ करके एक प्रकार का मेडिटेशन कितनी बोरिंग चीज़ होगी कभी हमने सोचा है कि वो लिविंग रियलिटी है भगवान अब रोज जाके हम ऐसे ही बैठ जाते हैं एक सिखाए हुए तरीके से और भगवान वो भी कहते होंगे भाई कुछ कुछ होता है ना कई बार अगर आप एक ही मैसेज देते रहो ना रोज गुड मॉर्निंग तो लोग पूछते हैं कि भाई थोड़ा वेरिएशन तो कर दो लगे कि आप मैंने कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो तो ये कॉपी पेस्ट वाला मेडिटेशन नहीं है तो अब जब हम क्योंकि ये प्रेयर्स एंड मेडिटेशन है मेडिटेशन मतलब कि जब हम इसको पढ़ते हैं और उस पर ध्यान करते हैं कंसंट्रेशन अलग है मेडिटेशन अलग है जिसकी हम लोगों ने बात की थी मेडिटेशन एक माइंड की एक्टिविटी है लेकिन जब हमारा मन मनन करता है इन चीज़ों पर तो हम देखते हैं कि रोज माँ एक नए तरीके से डिवाइन से रिलेट कर रही है कितना अच्छा लगता है किसी दिन वो इस प्रकार से कर रही हैं किसी दिन उस प्रकार से एक पैरट की तरह प्रार्थनाएं नहीं पढ़ी जा रही हैं तो वो पथ जो हमको भगवान की ओर ले जाता है तीसरा जो भगवान का काम करना चाहते हैं और उनकी सेवा में प्रस्तुत होना चाहते हैं तो तीन प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं और पूर्व कथन माँ प्रारंभ में एक बड़ी सुंदर बात कहती हैं कौन है जो जिसको ऐसे भगवान का भक्त तो ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं डांस कर रहे हैं रोज़ मंदिर जा रहे हैं रोज हम घंटा भी बजा रहे हैं रोज हम एक पर्टिकुलर टाइम पर मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्या ये भक्ति है क्या ये वास्तव में भगवान को क्या प्रिय है तो माँ कहती हैं कि कुछ लोग भगवान को क्या प्रिय है जब हम स्वयं को भगवान को देते हैं क्यों क्योंकि तभी वो हमको बदल सकेंगे हम अगर स्वयं को नहीं देंगे हम बाकी सब कर रहे हैं लेकिन खुद को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं देने के लिए तो सब कुछ होगा लेकिन हम वैसे के वैसे रहेंगे रावण ने तो दस बार सिर काट दिया तो इट डजेंट मेक ए डिफरेंस बट जब स्वयं को देना तो उसका अर्थ क्या है तो वहाँ माँ कहती है प्रारंभ में सम गिव देयर सोल टू द डिवाइन सम देयर लाइफ सम देयर वर्क एंड सम गिव देयर वेल्थ ये चार चीज़ें जो हम भगवान को दे एक तो सोल कि मैं अब माँ का हूँ फिनिश्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है इसको कहना लेकिन ये गहराई में कहीं ना कहीं एक आभास होता है एक एहसास होता है फिर हम इधर उधर नहीं भागते इधर उधर नहीं भटकते ये हम जान लेते हैं मूलतः कि वी बिलोंग टू तो द डिवाइन मदर सोल सम गिव देर लाइफ अब लाइफ क्या है जीवन में सब कुछ है तो साधु असाधु ये देखिए पथ है एक बड़ी इंटरेस्टिंग पता होगा ये भी एक योग लोगों ने किया है तुलसीदास आजकल रामायण का सीजन चल रहा है तुलसीदास जी ने खल वंदना की है जो लोग हैं जो जिनको हम विकेट कह सकते हैं उनकी भी वंदना की है मतलब हर चीज को लेकर भगवान की ओर मोड़ देना जोड़ देना तो किस तरह से जीवन में जो कुछ भी है सारा उसको भगवान की ओर मोड़ देना और उनसे जोड़ देना तो ये एक दूसरा सम गिव देर लाइफ की मतलब मेरे जीवन का अब कोई प्रयोजन नहीं है सिवाय डिवाइन मदर के तीसरा दोज वांट टू वर्क अप जो कर्म अपना भगवान को देते हैं मतलब आमतौर पे हम बहुत सारे कर्म करते हैं लेकिन वो कर्म हम करते हैं अपने निच के लाभ के लिए या तो धन का लाभ होता है या मान का लाभ होता है नाम होता है पदवी होती है और भी अनेकों कभी माता पिता को संतुष्ट करना कभी किसी और को प्रसन्न करना ये सारे हम लोगों के काम के अनेकों मोटिव हैं डिज़ायर ने अनेकों रंग चढ़ाए हुए हैं कुछ रंग जो बड़े एक्सेप्टेबल लगते हैं कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ अपना <laughs> कुछ ऐसे जो दिखता है कि भाई तुम अपने अहंकार की पूजा कर रहे हो लेकिन भगवान का काम कर्म निवेदित करना मतलब इस काम का एक ही ध्येय है एक ही प्रयोजन है वो है मां मां से जुड़ना और मां की मां की सेवा करना यह कर्म का प्रयोजन जब बन जाता है तो गिव देयर वर्क टू द डिवाइन और और कुछ नहीं है तो सम गिव देयर वेल्थ द्रव्य यज्ञ तो ये भी अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, धन है तो धन के द्वारा भी फिर मां कहती है कि सम गिव ऑल अपनी आत्मा चैत्य सत्ता अपना जीवन अपना कर्म अपना धन सब कुछ हो भगवान की सेवा में होता है उनका ये भगवान के सच्चे बच्चे हैं दे आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड अदर्स गिव नथिंग उनका केवल एक साइड ट्रैफिक चलता है किससे मुझे क्या मिलेगा इंक्लूडिंग भगवान तो माँ कहती हैं कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं देते अधिकांश एक्चुअली देखा जाए तो माँ कहती हैं कि उनका कोई भी स्थान हो इस संसार में लेकिन भगवान की दृष्टि से वो वास्तव में एक शून्य से अधिक कुछ नहीं है दे आर वैल्यूलेस मूल्यहीन शून्य इससे अधिक कुछ नहीं है तो ये इस पुस्तक का बैकग्राउंड है और फिर हम लोग इसमें से कुछ प्रार्थनाएं कर पढ़ेंगे जैसे जैसे आई डोंट नो कोई फॉर्मेट नहीं है फॉर्मेट होता भी नहीं है मेरे पास ये तो शीर सागर में डुबकी लगा लगा दी है तो लेट्स सी द मदर लीड्स पर मुझे जो पहली प्रार्थना मुझे लगा इसमें माता जी का जीवन भी आएगा जीवन चरित क्योंकि ये माता जी की सबसे इंटीमेट बातें हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें ये बता रही हैं कि, किस चीज़ को हमको स्थापित करना है अपने अंदर जिसके बिना ये सारी बातें कि हम माता जी का काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये सब केवल एक खोखली बातें बन जाती हैं पहली चीज फर्स्ट इंडिस्पेंसिबल नेसेसिटी पहले एक श्री अरविंद के लेटर्स का कलेक्शन आता था बेसिस ऑफ योगा के नाम से आधारशिला क्या होनी चाहिए तो जो फंडामेंटल नेसेसिटी है वो है शांति समता जो शांत नहीं है उसके थ्रू भगवान किस तरह से अपनी शक्ति को ट्रांसमिट करेंगे क्योंकि वो जैसी उतरेगी वो सारा जो फील्ड है वो डिस्टर्ब है जैसे बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा हो और हम फोन या कोई मशीन बहुत अपने आप चल रही हो तो आप उसको कितना यूज़ कर पाएंगे तो इसलिए पहली चीज़ है जो है शांति को स्थापित करना दूसरी चीज़ ये समझना कि ये जीवन Uh, साधना केवल तब नहीं होती जब हम बैठ के कंटेम्पलेट कर रहे हैं भगवान के बारे में सोच रहे हैं भगवान पर ध्यान कर रहे हैं भगवान पर मनन कर रहे हैं भगवान के नाम पर निधिध्यासन कर रहे हैं या भगवान पर हम लोग एकाग्र हो रहे हैं इसके साथ साथ जीवन में जो हम दैनिक हमारी जो कार्य दैनंदिनी है और जो कार्य है उसमें हम किस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं जीवन से कैसे जाते जा रहे हैं क्योंकि ये पथ बाहर भी है और अंदर भी है और कैसे हम जीवन की विविध परिस्थितियों से गुजरते हैं वहां पे साधना हो रही है तो ये हम लोग एक प्रेयर पढ़ें शुरू शुरू में ही है <coughs> ये प्रार्थना है नवंबर ट्वेंटी एट्थ नाइनटीन ट्वेल्व 1912। नवम्बर उन्नीस सौ बारह कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि बाहर के जीवन में क्या असल चीज तो है कि चुप बैठ करके ध्यान करो ये लगता है कि ये तो आउटर लाइफ तो ये तो वेस्ट है ये तो एक बंधन है तो ये तो एक बोझा है कैसे इससे हम जल्दी से जितनी जल्दी छुटकारा मिले उनको श्री की कविता ऋषि पढ़नी चाहिए <laughs> उसमें बड़े सुंदर ढंग से कि जीवन तुम कैसे जियो और फिर कहते हैं जब वो चाहेंगे तुमको इससे निकाल देना वो निकाल देंगे ही विल बिट दी लीव उसके लिए एक और सावित्री में द लाइन है आफ्टर वी हैव सर्वड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड

एक ऐसी यात्रा है जो हर समय चलती रहती है एक बार ये प्रारंभ हो जाए एक मेरे मित्र न्यूयॉर्क में उनसे मैं मिला बहुत सालों बाद बीस सालों बाद तो एक समय था जब हम लोग शी अरविंद के बारे में कुछ बातें करते थे तो फिर वो चला गया बहुत सारी बातें हुई खैर वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैंने पूछा कैसे चल रहा है सब कुछ क्योंकि मुझे लगा कि ये अब इसने एक लाइन थोड़ी अलग ले ली है तो उसने कहा अब साधना एक ऐसी चीज है जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकती तो है नहीं <laughs> वो कहीं ना कहीं लेकिन इस चीज को हमको सचेतन रूप से करना है ये सच है कि नहीं रुकेगी क्योंकि एक बार वो एक्टिवेट हो गई ना तो वो चलती रहती किसी ना किसी रूप में लेकिन इसको हम कॉन्शियसली कैसे करें तो यहां पर ये प्रार्थना हमें बता रही है आउटर लाइफ एक्टिविटी ऑफ ईच डे एंड ईच इंस्टेंट इज इट नॉट द इंडिस्पेंसिबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर आवर्स ऑफ मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन नहीं होता कैसे करें और ये कहने की बजाय कि इस तरह से मेडिटेशन करो बेहतर होता है कहना कि निष्काम कर्म करो समता का अभ्यास करो मेडिटेशन अपने आप होने लगेगा क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं वो तो ध्यान में भी डिस्ट्रैक्ट करेंगी अंदर में काम है तो डिस्ट्रैक्ट करेंगी माइंड रेस्टलेस होगा क्यों एंजाइटीज हैं उसके अंदर अटैचमेंट्स हैं तो इनसे वो होगा लेकिन जब हम ये बाहर का एक्शन यही देखिए श्रीमद भगवद गीता में श्री कृष्ण तो कर्म के बीच में क्या क्या करना है वो बताते हैं ध्यान की एक विधि बताते हैं बट तो बहुत छोटी सी तो माँ कहती है केवल बैठ के ध्यान कर लेना ध्यान धारना ये काफ़ी नहीं है कम से कम इस योग के लिए जो मोक्षवादी योग हैं जिसमें समाधि में मर्ज होना वो एक अलग बात है तो साथ में जो दैनिक जीवन है उसकी अनेकों अनेकों घटनाएं हैं उसमें अनेकों बातें घटित हो रही हैं हर क्षण हो रही हैं उनके प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट है एंड इज नॉट द प्रोपोशन ऑफ टाइम गिवेन टू ई द एग्जैक्ट इमेज ऑफ द प्रोपोर्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द अमाउंट ऑफ एफर्ट टू बी मेड फॉर द प्रिपरेशन एंड रियलाइजेशन तो बाहरी जीवन प्रिपरेशन है रियलाइजेशन है एक एक छोटी छोटी घटना है कई बार माँ बताती कि बड़ी चीज़ों में आदमी केयरफुल होता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ट्रिप कैसे करती हैं यू आर नॉट कॉन्शियस किसी ने कुछ कह दिया और अंदर में कहा अच्छा तो क्या समझता है आपने, आपने आप, बस खत्म वो क्या समझता है नहीं समझता इम्पोर्टेंट नहीं है आपने एक अवसर गवा दिया तो वो छोटी छोटी चीजें यू आर नॉट केयरफुल बड़ी चीजें जैसे बड़े पत्थर होते हैं ना आप देखते हो स्कूटर में जा रहे हो तो आप उसके साइड से चले जाते हो या रुकते हो जो भी लेकिन आप जो ग्रेन्स ऑफ सैंड होती है ना रेतीली जमीन उसमें कंकड़ है उसमें स्कूटर गिर सकता है फिसल करके तो इसलिए रोज की ये छोटी छोटी एक्टिविटी फॉर मेडिटेशन कंटेम्पलेशन यूनियन इज द रिजल्ट ऑफ ब्लूम्स जब हम ध्यान करते हैं भगवान पर अगेन ये ध्यान मेडिटेशन कंटेम्पलेशन माँ बैठ के आलती पालती मार के नहीं बता रही है। चलते फिरते जपाजप सहज समाधि जो भी हम शब्द तो वो एक अंदर में एक अवस्था है जो चलती रहती बाहर एक जीवन है लेकिन अंदर की अवस्था फिर कभी कभी आप बाहर में ड्रॉन होते हो फ्लावर दैट ब्लूम्स तो ये तो एक है कि अगर हम भगवान पर ध्यान रखें दें जब जब जितने बार जितने समय तो उतना हम उनसे जुड़ेंगे

तो ऐसे ही हुआ वो आए और भिक्षाम दे ही किसी स्त्री के घर में तो वो देर हो रही थी इनको क्रोध आ रहा था इनके क्रोध से एक चिड़िया जल के गिर गई थोड़ी देर बाद वो महिला आई कही कहा कि मैं काम कर रही थी और अब आई हो तो कहते हैं तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ तो कहती है हाँ हाँ लेकिन मैं वो चिड़िया नहीं हूँ <laughs> तो उसको सब मैं वो चिड़िया नहीं अभी हाल में मैंने सुना आई वॉज सो सरप्राइज कि एक सन्यासी इस तरह का स्टेटमेंट कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे अंदर से कोई विस्फोट हो जाए तो पूरे संसार को एटम बम से अधिक मैं उड़ा दूंगा ये कितनी <laughs> अनर्गल अहंकार से भरी बात है मतलब आई कांट इमेजिन आप जो भी होगे लेकिन यू आर नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन लेटल लोन ए डिवाइन बींग जित क्रोधिया जितेंद्रिया ये तो दो लक्षण होते हैं हाँ आधे अधूरे हाफ बेग्ड वो अलग बात है हम सब आपको मिलेंगे आधे अधूरे हाफ बेग्ड तो माँ कहती है डेली एक्टिविटी पे इसकी परीक्षा होती है जो भगवान से जुड़े उनकी परीक्षा कैसे होती है बड़ी सुंदर एक गीता में लाइन है कैसे पता चलेगा कि कोई भक्त है तो उसे लक्षण दिए हैं भक्तों के तो उसमें दो तो मुझे बड़े सुंदर लगते हैं एक में तो मेरी बुद्धि अटक गई थी कि इसका क्या अर्थ हो सकता है एक है मैत्री करुणा एवश्चा सबके प्रति उसके अंदर एक फ्रेंडलीनेस होती है और करुणा होती है वो लोगों को जज नहीं करता कंडेम नहीं करता वो करुणा से भरा होता है क्योंकि भक्त के अंदर भगवान का प्रेम होता है और वो प्रेम जानता है कि संसार कैसा है क्या कठिनाई है और दूसरी जो एक बात लिखी है ड्रेड ड्रेडिट तो मुझे लगा ये कैसे संभव हो सकता है लोकसमिन तो उसमें यह है कि वह जो किसी की बात से उद्विग्न नहीं होता यह तो इजी है रिलेटिवली लेकिन जिससे कोई उद्विग्न नहीं होता मैंने कहा ये कैसे इंश्योर करोगे कि दूसरा कोई उद्विग्न ये शुरू शुरू की बात है जब यू वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट तो मैंने कहा ये दूसरे से आप उद्विग्न नहीं हो ये तो आपके हाथ में है आपसे कोई उद्विग्न ना हो लेकिन शरिंद कहते हैं दैट टाइगर डज नॉट अटैक द योगी योगी के पास में टाइगर और डियर भी साथ साथ बैठ करके शिव जी के पास जैसे चूहा और सांप दोनों बैठ के मस्ती कर रहे हैं मजा ले रहे हैं तो क्योंकि उसके अंदर वो जो ऊर्जा होती है ना उसके अंदर वो प्रेम का भाव होता है तो प्रेम चीजों को जोड़ देता है टूटने नहीं देता है वो दूसरा व्यक्ति कितना भी कोशिश कर रहा है जो भी कर रहा है लेकिन ये क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम की भगवान के प्रेम की घनीभूत तो ऊर्जा है तो डेली एक्टिविटी में वो पता चलती है तो डेली एक्टिविटी में क्या है एनुअल एनविल होता है जो क्या कहते हैं जो आप हथौड़ा मारते हो ना किसी चीज़ को रख करके परखते हो कि ये असली स्वर्ण है ये लोहा कैसा है ये सब जो चीज़ें उस परखी जाती है साधना की लेकिन आप बाहर निकले ध्यान लगा के किसी ने कुछ कह दिया और आप आपने डिस्टर्ब कर दिया मेरे इतने अच्छे ध्यान करके निकला था एक्सक्यूज मी <laughs> ध्यान नहीं किया था <laughs> यही तो है जहां परीक्षा होती है अगर ध्यान सच्चा है तो आप ये नहीं होगा आपके अंदर आप देखोगे ये एक प्रोसेस है ये नहीं कि एक दिन में होती है बट हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट किस दिशा में है अगर हमें क्रोध आ रहा है अगर हम इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं अगर हम डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं अगर हम अहंकार में ये सब तो ये क्लियर है कि हमारा पथ सही नहीं है हम जो भी कर रहे हैं इट इज़ नॉट हेल्पिंग मी आई मे सिट फॉर अवर्स एंड मेडिटेट तो मेडिटेशन जब करते हैं भगवान से यूनियन का लक्षण ही यही होता है शांति होती है शेयरविंद बैठ करके वहाँ जो जिसने फकीर ने फेंके थे पत्थर कहते हैं व्हाट डेथ फॉर ए फ्यू स्टोन्स मारना चाह रहा है शेरविंद को और शेयरविंद करुणा में कहते हैं कि मृत्यु कुछ पत्थरों के लिए माँ कैसे सबका विष अपने अंदर पी लेती थी, थी तो वो तो करुणा और मैत्री से भरा होता है क्योंकि उसको यही लगता है कि भाई ये सब तो मैं ही हूं एक अलग नहीं है मुझसे तो डेली एक्टिविटीज और ये जो जीवन में घटित तो होता है इसका मुख्य कारण ये हम लोग पाप पुण्य अच्छा बुरा हानि लाभ में उलझ जाते हैं अरे बड़ा नुकसान हो गया क्या भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया अरे मेरा लाभ हो गया ये तो खेल था ही नहीं ये सक्सेस तो वायरस है सक्सेस फेल्यूर तो गेम प्लान में था नहीं गेम प्लान था सो दैट यू ग्रो इन डिलाइट ग्रो इन स्ट्रेंथ आप कोई भी खेल खेलोगे ये तो आपको हो गई होगा ये तो बाद में कंपटीशन आएगा ना तो उस जिसमें आप सक्सेस फेल्यूर और ये हम लोग बचपन में वी ऑल नो अब मैं, मुझे तो पता है आठ आठ घंटे मुझे टेबल टेनिस खेलने मज़ा आता था अब लेकिन जब कंपटीशन होता है ना चैंपियनशिप का तब समस्या होती है अदरवाइज यू प्ले यू आर यू आर ग्रोइंग आपका स्टेमिना ग्रो कर रहा है आपकी स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है आपको जॉय मिल रहा है ये है असल उसका पर्पस इस प्ले का तो ये सब एलिमेंट्स पास करते हैं एंड री पास बार बार ये नहीं एक बार टेस्ट हो गया अभी कुछ कमी रह गई और भगवान ऐसे हैं परफेक्शनिस्ट कि आपको पचास पर नहीं छोड़ देते हैं वो तो हंड्रेड परसेंट परफेक्ट परफेक्शन पचास के बाद पचपन कभी पैंतालीस होगा फिर से फिर अड़सठ फिर अचानक साठ करते करते वो हंड्रेड तक जब तक नहीं ले जाते अब अच्छी बात है एक तरह से देखा जाए और हर एक एलिमेंट को चाहे वो आपका प्रेम हो ज्ञान हो क्रिया शक्ति हो हर चीज को श्रद्धा हो संकल्प हो इन सब को भगवान हंड्रेड परसेंट तक ले जाते हैं अच्छा है क्यों हम लोग कम से संतुष्ट करें क्योंकि यहाँ तो किसी और से कंपटीशन नहीं है अपने आप से ही है पूर्णता में ग्रो करना है तो इसलिए दे हैव टू तो पास एंड रीपास क्यों इन ऑर्डर टू बी प्योरिफाइड रिफाइंड मेड सपल एंड राइप फॉर द इल्यूमिनेशन विच कंटेंप्लेशन गिव्स टू देम ये अगर तैयार नहीं होगी प्रकृति तो अंदर में हमको बहुत सुंदर अनुभव हुआ लेकिन इट डजेंट हेल्प तो ये दैनिक जीवन में ताकि प्योरिफिकेशन हो शुद्धि हो रिफाइनमेंट हो और फिर जीवन की सब घटनाएं, जो अच्छी लग रही है वो भी जो बुरी लग रही है वो भी दुख कष्ट पीड़ा वो भी और हंसी खुशी जो हो रही है जीवन में ये सब कुछ भगवान की ओर कैसे वो प्योरीफाई हो हंसी खुशी में भी एक रिफाइंड हंसी होती है एक रिफाइंड खुशी होती है और एक क्रूड होता है तरीका उसको एक्सप्रेस करने का ये भगवान नहीं कहते हैं कि खुशी नेचुरली टू बी इन स्टेट ऑफ जॉय इज़ गुड लेकिन कुछ लोग हैं जो जॉय का एक्सप्रेशन मतलब सीधा एक पार्टी करो एक होटल में जाओ या बहुत सारे लोग आ जाएंगे अच्छे अच्छे पता नहीं क्या साड़ी सूट पहन करके और एक दूसरे की वही चर्चा करें ये तो बड़ा क्रूड है आप जॉय को बड़े सुंदर ढंग से सेलिब्रेट कर सकते हो अपने कुछ मित्रों के साथ जो सच में प्रेम करते हैं उनके साथ बैठ के थोड़ी देर आप ध्यान भी कर सकते हो आपस में सुंदर बातें कर सकते हो परस्परता तो ये सारी रिफाइंड ये एक्चुअली शेरविंद बताते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में कि बुद्धि को पहले रिफाइंड एन्जॉयमेंट्स की ओर जाना चाहिए यानी क्रूड म्यूजिक की जगह रिफाइंड म्यूजिक आपने क्लासिकल सुना तो जो भी बहुत सारे हैं मैं यानी तो आपके जो एन्जॉयमेंट्स हैं वो रिफाइंड हो रहे हैं एन्जॉयमेंट कहाँ से आते हैं सेंसेस से तो सेंस प्लेजर भी रिफाइंड हो रहे हैं क्रूड नहीं है

वॉट एवर ही हैज़ टू डू ये नहीं कि वो आउटर एक्टिविटी नहीं करेगा लेकिन वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है अब वो एक कर्मयोग कहाँ चेंज हो जाता है ये कर्मयोग है पहला जहाँ आप कर्मयोग के द्वारा भगवान से एक हो रहे हो फिर दूसरा कर्मयोग जब आप बस अभिव्यक्त कर रहे हो अब आपके जो एलिमेंट्स हैं वो प्योरीफाई और रिफाइन हो गए है यहाँ ये मतलब है आउटर एक्टिविटी इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट फिर आउटर एक्टिविटी यही कि बंद हो जाती है माँ तो टेनिस दिल दी है। शीयरबिंद भी अगर हम केवल और कुछ नहीं केवल उनकी पत्र देखें आठ आठ घंटे और भी जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं और जो सारी चीज़ें जो विश्व में कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे थे सूक्ष्म तरह से लेकिन तब वो केवल एक दिव्य अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन में दिव्य प्रकटन में सहायक होती है तो कर्म का दो है एक है कि वो तैयार करता है हमको भगवान से के अंदर जो मिलन हुआ उसको किस तरह से ये तैयार होंगे उसके लिए और फिर दूसरा है जब वो अभिव्यक्त करने लगता है फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहती है देन इज दिस एक्टिविटी टर्नड इन टू द मीन्स टू मैनिफेस्ट दी वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फिर वो एक्टिविटी आप क्योंकि प्योरीफाई हो गया है जो यंत्र है रिफाइन हो गया है तो वो केवल भगवान को अभिव्यक्त लेकिन कोई स्टेज ऐसी नहीं है जब एक्टिविटी की जरूरत मतलब आपको छोड़ देने की ज़रूरत है जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं ये तो एक्शन जो है केवल एक पॉइंट तक जरूरी है जब आपने एक बार पा लिया तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है नहीं शेरविन कहते हैं शेरविन श्री कृष्ण जैसे कहते हैं कि निर्वाणा एंड वर्क्स इन द वर्ल्ड आर कंसिस्टेंट विद ईच अदर आपको कोई भी बाहरी जीवन बाहरी एक्टिविटी को छोड़ने की जरूरत नहीं है अब वो आपके लिए एक मीन्स हो जाएगी भगवान को प्रकट करने के लिए और क्या होगा इस प्रकटन से सो हैज अवेकन द अदर सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस टू द सेम डूअल वर्क ऑफ द फोर्स एंड द एल्यूमिनेशन अदर सेंटर्स कौन है अदर सेंटर्स सारी मनुष्यता इसी चीज़ को शेयरवीन सिंथ योग में कहते हैं कि अल्टीमेटली क्या होता है वो जो व्यक्ति योग युक्त होता जा रहा है ही बिकम्स ए सेंटर फॉर द डिवाइन और ए न्यूक्लियस फॉर द डिवाइन मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमैनिटी तो ये है कि बिकम्स फॉर अदर सेंटर्स ये नहीं कि कोई भी बोलना शुरू कर दे तो वन बिकम्स अंट ये तो अंदर में पता होता है डिवाइन मदर को इसीलिए इन चीज़ों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये एक्टिविटी ये तभी लेनी चाहिए जब अंदर से आपको ये हो कि ये डिवाइन मदर ने सेंक्शन किया है दैट मीन्स वन इज रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर दिस और वह फिर प्रोसेस चलती रहती है आर्बिट्ररी चॉइसेस नहीं होती हैं इसमें तो यहाँ पर माँ बता रही हैं देर फोर आर प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ द वर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ये भी कि अगर हमको लगा आप तो हमने अंदर बहुत सुंदर अनुभव हो गया सच्चिदानंद ब्रह्म होता भी है बाई लोगों को लेकिन बाहरी जीवन ऐसे ही रहता है एक बार माता जी से किसी ने पूछा था कहते माँ लेकिन ये लोगों ने तो बोला है ह्यूमन नेचर चेंज नहीं हो हो सकता है तो माँ थोड़ा सा ना जो कहते हैं ना डिवाइन वो नॉट रॉथ वो यस 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 आई नो ऑल ऑफ देम विवेकानंद एंड एंड रामदास ऑफ देम मैं जानती हूं सबको वो मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट में चले जाते हैं लेकिन हम यहां इसके लिए नहीं है यस यस आई नो ऑल ऑफ यही कहते रहे कि नहीं ये तो नहीं चेंज हो भगवान को आपने पा लिया खत्म बात अब आपको क्या फर्क पड़ता है तो बाहरी प्रकृति है लेकिन शेरबिंद कहते हैं आउटर मैन मस्ट चेंज अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो मेरा काम आधा अधूरा है तो माँ कहती हैं कि फिर प्राइड और सेटिस्फैक्शन कब होता है अब इसमें देखिए इन्होंने माँ ने अदर सेंटर से लिंक कर दिया है प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन क्यों क्योंकि जब तक एक भी कण एक भी सेंटर अवेकिन नहीं हुआ है जैसे जैसे हम योग में बढ़ते जाते हैं वो विश्व चेतना में प्रवेश करने लगते हैं फिर ये तो कह नहीं सकते मैं मेरी प्रकृति क्योंकि आपकी प्रकृति केवल नहीं रहती है आप बाकी प्रकृति से आप एक विशाल चेतना में प्रवेश करते हैं तो एक नोमुर से माई माई जगह बताती हैं कि जब कोई माँ कहती हैं कि किसी ने पूछा उनसे कि माँ जब मैं देखता हूँ कि ऑफिस में डिसऑनेस्टी है ये है तो मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना चाहिए मां कहती है जो उन्होंने उत्तर दिया ना ये लाइफ इन शोरबिंदु आश्रम नारायण प्रसाद की किताब में है तो मां ने कहा अपने अंदर देखो कि तुम्हारे अंदर कौन सा भाग है जो बेईमान है क्योंकि तुम देख रहे हो ना दूसरों में बेईमानी कहीं तुम्हारे अंदर है चोर छिपा हुआ वो तो एकदम स्टंट रह गया ये नहीं कि बेईमानी लोग नहीं करते हैं पर तुम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई अगर योगी होगे तो भगवान देखोगे ये नहीं कि जो भगवान देख रहे हो मतलब उनके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर माता जी अपना उदाहरण देती हैं जो बात है ना कि परफेक्शन ये प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन विद आप माँ का उदाहरण है अभी तो सोचिए आप कल्पना के परे है माँ कहती है मुझे जब आके मेरा कोई बच्चा कहता है कि उसकी कोई सव, डिफिकल्टी है नेचर के अंदर तो मैं अपने अंदर प्रवेश करके देखती हूं कि मेरे अंदर उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी चीज है वहां ठीक करती हूं हालांकि मां नहीं देख रही है वो व्यक्ति आके कह रहा है पूरे विश्व को उन्होंने समेट लिया अपने अंदर तो ये मतलब आप किसी लेवल पर ये नहीं कह सकते आ मैंने प्राप्त कर लिया फिनिश्ड हो गया प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट तब तक नहीं होगा जब तक संसार में कम से कम एक साइजेबल नंबर <laughs> तब तक वी आर ऑल और अच्छी बात है बिकॉज टुगेदर वी विल वी आर ऑन द सेम बोट अब बोट आपकी जब एक ही है तो कौन बोलेगा कौन पहले पहुंचा अब uh, बोट पे कोई व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा आगे हो कोई पीछे हो हो सकता है कोई सामने देख रहा है कोई साइड में देख रहा है कोई पीछे की ओर देख के दुखी हो रहा है लेकिन बोट भैया एक साथ पहुंचेगी बड़ी सुंदर बात है कि ये जैसे जैसे हम एनलार्ज होते हैं वेरी मॉडेस्टली मॉडेस्टी और मॉडेस्टली ये, ये अलग वर्ड है मॉडेस्टी कई बार एक वेरिटी का कंसील्ड पार्ट होती है मॉडेस्टी नहीं है, ऐसा बहुत कुछ ऐसा बहुत नहीं है ये भी एक लेकिन मॉडेस्टली मतलब धीरे धीरे ये नहीं कि एक साथ कल से मैं अपने नेचर पे पूरा विजय पालूंगा मैं भोजन नहीं करूंगा काम क्रोध सब निकाल दूंगा ये तरीका नहीं है माँ कहती है विन योर लिटिल विक्ट्रीज पहले प्रयास करो सब खाने पीने के ऊपर चले जाओगे उसके पहले प्रयास करो वो जो रसगुल्ला रात को मुझे बड़ा प्रिय है उसको मैं आधा कर दूंगा मतलब हर एक चीज में डू मॉडेस्टली डोंट जंप लीप हर लेवल पे अगर प्रयास करोगे तो गिरोगे और हजार बार गिरोगे दस बार गिर के तुमको लगे मेरी हड्डी टूट गई मैं आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आप उसका प्रोसेस ये नहीं है मॉडेस्टली ये जो लोग होते हैं ना जो एकदम झटके में कि आई विल अचीव दिस ये तो ईगो बोल रही है ना उनको पता ही नहीं है कि प्रकृति क्या होती है तो यहां पर माँ कह रही वेरी मॉडेस्टली वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दी माइन्यूट अपॉर्चुनिटीज ऑफ वट टू नीड एंड प्योरीफाई दी इन्यूमरेबल एलिमेंट्स छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी कुछ कह दिया किसी ने या कुछ नहीं कहा किसी ने <laughs> किसी ने आपको मैसेज किया किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया उसमें नमस्ते भी नहीं डाला <laughs> आपने कहा अच्छा मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है बहुत प्राउड है कोई बात नहीं मैं बंद कर दूंगा ये सारी जो छोटी छोटी क्योंकि आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो आपकी स्वप्रेरणा ये आप स्वाप है। माता जी के काम के रूप में कर रहे हो जब आप अपने और किसी और के लिए करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी जब आप मां के काम के रूप में कर रहे हो तो इट ड मैटर तो यहां पर वो सारी चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजें किसी को आपने गिफ्ट दिया उस व्यक्ति ने कहा यह क्या बिकार की चीज उठा के लिया <laughs> किसी ने आपको गिफ्ट दिया और आपको मन में शोभ हुआ कि अरे ला नहीं था तो कुछ बेटर ले देते मेरे लिए ये सारी बड़े छोटी छोटी चीजें होती हैं जा रहे थे कहीं थोड़ी लेट हो गया आपने मिस कर दिया कुछ अचानक पाँव ट्रिप हुआ थोड़ी चोट लग गई थोड़ा बुखार हो गया ना जाने क्या क्या, क्या चीजें होती रहती हैं जीवन है छोटी छोटी ये वास्तव में हमारी परीक्षा नहीं ये तो अपॉर्चुनिटीज है माँ ये भी नहीं कह रही है दे आर टेस्ट टेस्ट तो तब होता है ना जब आप बन गए तो चलो इसका टेस्ट करो ये अपॉर्चुनिटीज हैं क्या अपॉर्चुनिटी है नीड आटा होता है ना गूंथना ताकि भगवान उसे अच्छी से रोटी बनाए या परोठा वरना वो बहुत पानी है तो आटा का कुछ नहीं कर सकते हो घोल के पी सकते हो <laughs> और अगर बहुत टाइट है तो भी बेकार है तो राइट कंसिस्टेंसी का भगवान बनाते हैं उसके बाद वो फ्राई करते हैं अच्छे से <laughs> तो कभी कभी बोलना पड़ता है कुछ लोग पूछते हैं साधना कैसी चल रही है अभी फ्राइंग पैन में हूं भगवान का परोठा तैयार हो रहा है हाँ भाई अभी फ्राइंग पैन में अब सुनने वाला जो समझे <laughs> तो सपिल सपिल क्या होता है जो जिसमें रिजुता है नमनीयता है अच्छा ऐसे ही करना है कुछ लोगों की बड़ी रिजिडिटी होती है ऐसे ही करना है ऐसे ही कपड़े पहनने ऐसे ही जाना है इस नहीं सपिल भगवान तो सब जगह है ना आप वहां नहीं पहुँच पाए तो कोई बात नहीं आप तो अंदर में तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो ये नहीं कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए पर सपलनेस होनी चाहिए तो ये सपलनेस टू मेक दम इम्पर्सनल इम्पर्सनल क्या हुआ जहां पर आप अपने सेंस ऑफ सेल्फ को नहीं ला रहे हो आप रास्ता खोज रहे हो जैसे अब यही बात हुई एक, एक थे मेरे साथ यात्रा कर रहे थे हम लोग एमपी जा रहे थे एक स्वामी जी थे स्वामी जी बड़े विचलित हो रहे थे सुबह में आठ बजे तो मैं था मोहन भाई भी थे तो हम दोनों ने कु, कुछ तो प्रॉब्लम है तो मैंने पूछा क्या बात है आप क्यों इतना वो जा रहे थे हमारे साथ और कैंप मेरा कैंप था वहाँ पे तो कहते नहीं मैं सुबह अपने मंत्र नहीं कर पाया मैंने कहा क्यों कितनी नहाया नहीं तो मैंने कहा नहा लीजिए मैं बाथरूम में आप जाके थोड़ा हर हर गंगे कर लीजिए बोले नहीं 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 ऐसे हम नहीं नहा सकते कहीं से भी अब देखो अब कितना डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हैं अपने आप को आप चाहिए अब एक समय था जब लोग अब एक उसके हाथ का बना खाना इसका वो नाना प्रकार के छुआछूत अरे हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है समस्या नहीं है आपका मूल चीज क्या था भगवान से जुड़ना थ्रू द मंत्र डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू टीच देम फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ मेरी बात नहीं हुई बहुत अच्छा हुआ जो मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ बहुत अच्छा हुआ धीरे धीरे मैं खुद को भूल जाऊँगा mm -hmm. शीशा गिरा ना जो बड़ा फेवरेट था तो दासी गई रानी के पास रानी तो अब तो मेरा सिर काट देगी रानी थी वो अपने आप में वो एक स्पिरिचुअल माइंडेड थी तो एक क्षण को रुकी फिर अच्छा ही हुआ रोज इसमें मैं खुद को देख देख के निहार के बोलती थी अरे वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ खत्म हो गया अच्छा हुआ तो यहाँ फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ एंड एप्गेशन एंड डिवोशन एंड काइंडस एंड जेंटलनेस कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो मिसिंग है दया करुणा कोमलता जेंटलनेस से आता है जेंटल मैन जो माने कहा ना शिवरविंद इज परफेक्ट जेंटलमैन इट इज नॉट कि वो कैमरिज एजुकेटेड प्लीज डो मी दिस प्लीज इट नॉट अबाउट मैनर्स इट दैट जेंटल नेचर जो इतना सॉफ्ट है आप कभी शेरविंद के हृदय को फील करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि ये तो मतलब कोई उपमा ही नहीं है इतना सॉफ्ट है और वही अंदर में हिमालय जैसा एक अद्भुत डिपेंड अपॉन हाउ यू अप्रोच है प्रेम से तो वो ऐसे पिघलते हैं जैसे वो मक्खन और वही रा, राम जी के बारे में कहा जाता है ना एक और सौम्यता दूसरी ओर रौद्र और शेरविंद कहते हैं कि एक दोनों का समन्वय होना एक न्यू क्रिएशन में आवश्यक है डिवोशन एंड काइंडनेस एंड जेंटलनेस बात करना कम से कम बात तो हम ठीक से कर सकते हैं जेंटलनेस एंड व्हेन ऑल दीज मोड्स ऑफ हैव बिकम हैबिचुअल टू देम अब ये नहीं कि आपको सोचना पड़ा नहीं नहीं मुझे ऐसे ये आपके जीवन का एक प्रोसेस बन गई देन आर दे रेडी टू पार्टिसिपेट इन द कंटेम्पलेशन एंड टू आइडेंटिफाई दमसेल्व विद दी इन द सुप्रीम कॉन्सेंट्रेशन जब ये काम करते करते एक समय आता है जब सहज समाधि होती है माँ कहती हैं कि नंबर ऑफ आर्स यू स्पेंट इन मेडिटेशन इज नो प्रूफ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्रूफ क्या है जब आपके लिए वो सहज हो आपके लिए भगवान के बारे में नहीं सोचना या कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसे स्थान पर चले जाना जहाँ एकदम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो पीड़ा देगा कोर्स तब आप क्या करोगे वहाँ भी कनेक्ट कर लोगे लेकिन वो वो जब अवस्था आ जाए जब टू थिंक ऑफ द डिवाइन टू लव द डिवाइन ये एक स्वाभाविक अवस्था आ जाए देन देर इज कंटेम्पलेशन दैट इज वाई अंत में माँ बता रही हैं दैट इज वाई इट सीम्स टू मी दैट द वर्क मस्ट बी लॉन्ग एंड स्लो इवन फॉर द बेस्ट एंड दैट स्ट्राइकिंग कन्वर्शंस कैन नॉट बी इंटीग्रल ये योग मैकडोनल्ड्स योग नहीं है जहाँ आपने जाके काउंटर पे पैसे दिए रेडीमेड लंच मिल गया और जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हमको कोर्सेज होते हैं ना दस दिन के कोर्स चौदह दिन के कोर्स ये मेडिटेशन का कोर्स नहीं है ये तो एक लंबी प्रोसेस है प्रकृति ना हमारी कितनी जटिल है कितने इसका पास्ट है कितना यूनिक फ्यूचर है तो जो लोग अचानक एक दिन सब बदल गया ऐसे नहीं वो एक होता है एक पार्ट में रिवर्सल होता है सारी प्रकृति नहीं बदलती है ऐसे दे चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द बींग रिवर्सल होता है दे पुट इट डेफिनेटिवली ऑन द स्ट्रेट पाथ बट ट्रूली टू अटेन द गोल नन कैन एस्केप द नीड ऑफ इन्यूमरेबल एक्सपीरियंस ऑफ एवरी काइंड एंड एवरी इंस्टेंट अगर कोई भी अपने जीवन की कहानी लिखे तो महाभारत महाभारत होगी एक दिन की अगर देखें क्या क्या घटनाएं हुई तो इट इज सो अमेजिंग कितनी चीजें होती हैं जब हम भूल जाते हैं भगवान को अपने सिकुड़ जाते हैं अपनी सीमाओं में अपने स्वार्थ में अपने अहंकार में प्राइड में जकड़ जाते हैं वो सारी गांठे खुल्ला अब देखिए कैसे एड्रेस कर रही हैं ये हम लोग को नहीं बता रही हैं माँ लेकिन वो शेयर कर रही हैं जो उन्होंने सीखा है जैसे कोई होता है ना बच्चा मैंने ये सीखा है तो वो हम सब ये माँ हम लोगों को नहीं बता रही हैं ये सारे उनके जो संवाद हैं वो भगवान के साथ हैं तो वो कह रही हैं कि ये मैंने मेरा अपना जो रिफ्लेक्शन है वो ये है और अंत में इसीलिए कह रही ओ सुप्रीम मास्टर परम गुरु अब ऐसे एड्रेस कर रही हु शाइनेस्ट इन माय बीइंग एंड ईच थिंग कौन है ये परम गुरु जो कण कण में विद्यमान है मेरे अंदर भी है और सृष्टि के कण कण में है लेट दाई लाइट बी मैनिफेस्ट एंड द रेन ऑफ दाई पीस कम फॉर ऑल आपका प्रकाश प्रकट हो अभिव्यक्त हो और आपकी शांति सबके हृदय में विद्यमान हो विराजमान हो जय मां